2020 के लिए एक अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ चुकी है स्कॉलरशिप की अंतिम डेट। सभी छात्रों ने तो एक समय ऐसा लगा था कि अब स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्रों को लग रहा था कि लास्ट डेट जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन से जो है अंतिम तिथि जो थी वो जा चुकी थी। 15 तारीख को लास्ट डेट थी दिसंबर में, और उसके बाद फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहे थे। तो ऐसे में जो है स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो बढ़नी स्वाभाविक थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र रह गए थे। अभी बीएड या डीएलएड के छात्र तो अप्लाई ही नहीं किए थे, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर आ चुकी है सभी छात्रों के लिए, पॉलिटेक्निक, बीटेक, डीएलएड, बीएड, सभी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की डेट बढ़ चुकी है। अब छात्रों के लिए आखिरी मौका है इस बार ना जाने पाए। तो दोस्तों आप टाइम रहते ही फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, ताकि ये लास्ट डेट जो है इस बार ना जाने पाए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर डेट बढ़कर कब से कब तक हुई है, और कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल डेट एक्सटेंड की बात करेंगे कि कितनी डेट बढ़ी है। जी हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी तक जो डेट थी संस्थाओं द्वारा मास्टर डेटा पोर्ट करने की, ये 30/9 से 30/9, ये पूर्व दशम का है। और छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना 1/12/2020 था पूर्व दशम का, और 10/1/2021 हो गया है दशमोत्तर का, यानी बढ़ के 10/1/2020 हो गया, यानी 10 जनवरी तक अब छात्र अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। अब सारे छात्र जो है जल्दी जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें, वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड हैं उनके कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अब इनकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आ पाएगी। तो उनके लिए ये अच्छी खबर। इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु नवीन समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। तो इस नवीन समय सारणी निर्गत की गई है, देख सकते हैं छात्र छात्राओं के द्वारा आवेदन अप्लाई किए जाने की तिथि जो अंतिम तिथि है वो 10 जनवरी बढ़ा के कर दी गई है। और इसके साथ साथ छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल नंबर, आय जात क्रमांक आदि जो है, अगर कहीं पर भी आपकी त्रुटि हो चुकी है, कोई गलती हुई है, तो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। तो छात्र ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के फाइनल प्रिंटआउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में ये सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन हार्ड कॉपी जमा करने की जो अंतिम तिथि है 15 जनवरी हो गया। रिन्यूअल छात्रों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं है जानकारी, छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने के कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना 20 जनवरी तक। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी गई है कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो 25 मार्च तक यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप आप तक अग्रसित की जाएगी, पहुँचाई जाएगी। तो ये पूरा जो है नवीनतम समय सारणी डिक्लेयर हो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ लेटेस्ट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।